ओके, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट कर रहे हैं TGTU, PGT, KVS, NVS, RPSC और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर लाइव क्लासेस। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम जो है हर चैप्टर के क्वेश्चन ले रहे हैं, और पिछले क्लास में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन लिए, कुछ एपी के क्वेश्चन लिए। अब यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन मैं लेकर के आ रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिए, यदि त्रिभुज ABC में B के निर्देशांक 0, 0 हैं, ओके, मतलब आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC, और इस ट्रायंगल में जो B के निर्देशांक हैं वो हैं 0, 0, B के निर्देशांक हैं 0, 0, और AB इक्वल टू 2 दी गई है, लेंथ AB इक्वल टू 2 दी गई है, एंड एंगल ABC इक्वल टू π/3, AB इक्वल टू 2 है, एंगल ABC इक्वल टू π/3 है, और इसके साथ साथ है ना बिन BC, और जो मिड पॉइंट है BC का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं मिड पॉइंट ऑफ BC, मध्य बिंदु, BC का जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक है 2, 0। तो आपको बताना है कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा, त्रिभुज का केंद्रक आपको सेंट्रॉइड बताना है कि त्रिभुज का सेंट्रॉइड क्या होगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जानेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपके पास कह रहा है कि एक त्रिभुज है आपके पास में, और जिसका एक जो शीर्ष है 0, 0 है। तो इसको समझने के लिए बेहतर देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन में कई बार त्रिभुज डायग्राम बनाने से जल्दी आसानी से हो जाते हैं, इसलिए निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन में डायग्राम बना लेना चाहिए। तो देखिए एक इसका जो केंद्र 0, 0 है, इसको बी ले लीजिए, ओके, और एंगल ABC मतलब ए यहाँ पर बैठा है और उसका एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ पे ये ए मान लीजिए, और ए से ले करके बी तक की दूरी कितनी रखी है भैया अपन को, दो यूनिट है, मतलब ये है 2, और ये एंगल दिया गया है कितना 60 डिग्री। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। और मिड पॉइंट ऑफ BC इज 2, 0, जो मिड पॉइंट है BC का यहाँ पर है 2, 0, ओके, सो समवॉट यहाँ पर मान लो 2, 0, BC का मिड पॉइंट जो है वो 2, 0 है। अब आपको बताना है, देखिए अब इतना पता है कि भैया अगर BC का मिड पॉइंट 2, 0 है तो 0 और ये बीच में 2 है, मतलब यकीनन क्या होगा, ये 4, 0, बताइए होगा कि नहीं होगा, है ना, तो ये होगा 4, 0। आपको बताना है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। देखिए आपके पास ये निर्देशांक है, आपके पास ये निर्देशांक है, बस आपको ये नहीं पता। तो ये निर्देशांक निकालना बहुत आसान काम है। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें, अगर आप यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डाल दें, तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर डालने के बाद ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये होगा x, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा y, और फिजिक्स में हम आपको पढ़ा चुके हैं ये होता है 2। तो ये जो दिशा निकलता है, ये वाला जो लेंथ निकलता है ये होता है 2 cos θ, और लंबवत वाला निकलता है वो होता है 2 sin θ। मतलब फिजिक्स में हमने r की भाषा, हाँ मैंने आपको r sin θ और r cos θ बोला था। तो फिलहाल 2 है, तो यहाँ पे 2 cos 60, तो ये वाला कितना निकलेगा 2 cos 60 cos 60 डिग्री का मतलब 1/2। हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक 1 आएगा और एक √3 आएगा, बिकॉज 2 sin 60 इक्वल टू हो जाएगा √3/2। बिल्कुल सही। तो चलिए हमारे पास आ चुके हैं, एक 1 आ गया है, एक √3 आ चुका है। अब हमें ये निकालना है केंद्रक, तो केंद्रक के निर्देशांक निकालने बड़े आसान है, 0 + 1 + 4/3, और दूसरा आएगा 0 + √3 + 0/3 अर्थात 5/3, और ये हो जाएगा 1/√3। तो यही इसका आंसर है जो ऑप्शन में भी है, 5/3, 1/√3, नोट कर लीजिए इसको। कहिए मित्रों, क्लियर है मित्रों सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन को समझने के पहले हम जानेंगे एक कंसेप्ट लंब केंद्र कि भैया लंब केंद्र क्या होता है। लंब केंद्र क्या होता है? तो लंब केंद्र होता है लंब का प्रतिच्छेद बिंदु, इसे इंग्लिश में मीटिंग बोलते हैं, हाँ इसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। यदि आपके पास कोई त्रिभुज है तो अगर आपके पास कोई त्रिभुज है तो आप सम्मुख भुजाओं पर लंब डालिए, ए बी सी में सम्मुख भुजाओं पर लंब डालिए। मान लीजिए आपके इसका लंबवत यहाँ गिरा है, ये यहाँ गिरा है, इसका लंब यहाँ गिरा है और इसका लंब यहाँ गिरा है, इस तरीके से, हाँ ये इधर से। तो ये जो केंद्र कहलाएगा, ये तीनों लंबों का एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट है, इसको आप ऑर्थो सेंटर ओ से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर वो वाला बिंदु होता है, ऑर्थो सेंटर सर एच से डिनोट करते हैं, एच से, कैपिटल एच से सर, हमेशा के लिए कैपिटल एच से सर, हाँ 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 चलिए सर कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं इसको। अगर अब ये जान लीजिए कि अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो ए बी सी का जो लंब केंद्र होता है वो बिंदु होता है जहाँ पर लंब बन रहा होता है, जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होता है, ठीक है ना, जहाँ पर 90 डिग्री, क्योंकि इधर से आपके पास दो शीर्ष बचेंगे तो इसका लंबवत ये बनेगा, इधर से 90 ये हो गया और इधर से 90 ये हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए, और यदि इधर की भुजा, मतलब इसको एक्सटेंड करके देख लीजिए, और यदि इधर वाली भुजा से देखें तो लंबवत ये जाएगा, मतलब तीनों एल्टीट्यूड मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये होता है आपका लंब केंद्र। अब अगला चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष 0.3 -3.0 और 3.0 हैं, 0.3 -3.0 और कितना भैया 3.0 हैं, तो बताइए कि त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ पर होगा। आपको बताना है कि इसका लंब केंद्र कहाँ पर होगा, ओरिजिन पे होगा, चलिए देखते हैं ओरिजिन पे होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। नहीं, नहीं, सर ओरिजिन पे नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है सर, ओरिजिन पे ऑप्शन ही नहीं है। चलिए देखिए सर, तो सबसे पहले ये हमने बना लिया अपने पास में अपना ओरिजिन सिस्टम बना लिया है, इस पे हम एक्स एक्स और इस पे हम वाई एक्स ले लेते हैं, ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है। और अब देखिए हमारे पास में है जो एक बिंदु है -3.0, यहाँ ले लीजिए -3.0, एक बिंदु है +3.0, ये हो गया है, और एक बिंदु 0.3 पर ये बैठा है, तो इसको ले लीजिए 0.3। चलिए चलिए ये ले लिया, ये ले लिया। हेलो, माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग प्लीज़, माइक म्यूट कर लेंगे, हाँ। तो ये हमारे पास आ गया है। अब देखिए, अब एक हमारे पास चीज़ है कि क्या ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज कहीं पर बन जाए, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो दो कंसेप्ट हमारे पास लग सकते हैं कि समकोण त्रिभुज यदि बन जाए तो। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यदि हम दूरी निकालने का प्रयास करते हैं तो ये भी एक्चुअली क्या है, 3 है, और यहाँ तक ये भी कितना है, 3 है। तो यदि हम निकालें इसको 3 और 3 तो कितना हो जाएगा भाई बताइए, 3√2, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, 3√2, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग जाएगा। और यहाँ तक का दूरी ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये दूरी कितना हो गया, 3√2। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी देखिए, इधर का 3 और इधर का 3, मतलब कि कितना, 6। अब हम एक बार पाइथागोरस ट्रायल कर लेते हैं कि क्या पाइथागोरस लग रही है, तो 6 का स्क्वायर बराबर देखते हैं कि क्या 3√2 का स्क्वायर और +3√2 के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18 और 9 × 2 = 18 यानी 36 = 36 आ गया है, मतलब बिल्कुल सही पाइथागोरस लग रही है। और पाइथागोरस जिन दो भुजाओं में लगती है, ए बी और बी सी, वो जो कॉमन एंगल होता है वो बनता है क्या, समकोण। तो ये देखिए इसका कॉमन एंगल ए है, क्योंकि ये भी 3√2 है और ये भी 3√2 है, तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल ए होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब इसका जो लंब केंद्र है वो कितना है,
नाइन, 0.3, 0.3 है, नोट कर लीजिए मित्रों, लंब केंद्र बराबर 0.3। और इसका एक और तरीका है सूरज सर, इसका स्लोप निकाल के भी हम देख सकते हैं। तो यदि आप इसका स्लोप निकाल लेंगे और इसका स्लोप निकाल लेंगे, इसका स्लोप मान लेंगे m1 और इसका स्लोप मान लेंगे m2, तो m1 गुणा m2 बराबर आ जाएगा -1, जो कि लंबवत होने की शर्त है ना सर। चलिए मित्रों, वो 90 डिग्री चेक करने के लिए सर, जो b और c पर जो पॉइंट है, हाँ, वो दोनों साइड तीन तीन यूनिट है ना सर, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, 45-45 इधर भी बना, उधर भी 45-45, तो ऊपर तो 90 वैसे ही बन गया। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही बात है भैया, 3√2 और 3√2 हो गए, तो दोनों एंगल यहाँ के इक्वल हो जाएंगे, है ना सर। दोनों एंगल राइट एंगल ट्रायंगल अगर है सर, तो जो लंब केंद्र है वो जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वही हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो जहाँ पे लंब केंद्र बन रहा है वहाँ पे हो जाएंगे। तो दोनों भुजाएं यहाँ पे बराबर थी, तो दोनों कोण यहाँ पर पे बराबर हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये फिर फाइनली निकलेंगे अपने पास में सर, यदि ये थीटा थीटा है तो 2θ प्लस, ये एंगल हमको पता नहीं है सर मगर, है ना सर। कौन सा सर? ये वाला। तो हालांकि निकाल सकते हैं सर, 3√2 और हमारे पास 3 है, तो वो अपन लगा देंगे cos थीटा, हाँ cos थीटा लगा देंगे, तो 1√2 45 दिख रहा है सर, ये सर 45 डिग्री होगा सर। हाँ 40 दिख रहा है ना, आधार बटे कर्ण। हाँ नहीं सर, 45 इसलिए होगा ना सर, क्योंकि देखिए ओरिजिन पे तो 90 बन गया है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही सर, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो 45-45 ही होंगे ना सर। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर, चलिए, तो कई सारे मेथड यहाँ पर सुझाए गए हैं। अगला सवाल करते हैं मित्रों, अगला सवाल लिखिए। आज कम सदस्य जुड़े हैं सर, अभी तक काफ़ी सदस्य हो जाते हैं, केवल दो ही सदस्य जुड़े हुए हैं। देखिए सर, यदि 0.03π/2 और 3π/6 एक त्रिभुज के शीर्षों के ध्रुवीय निर्देशांक हैं, तो बताइए त्रिभुज कैसा होगा। देखिए आपके पास जो सवाल है उसमें एक शीर्ष दिया गया है 0.0, दूसरा शीर्ष दिया गया है 3π/2 और तीसरा शीर्ष दिया गया है 3π/6। ये कैसे निर्देशांक हैं? ये ध्रुवीय यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट हैं। तो आपको बताना है कि त्रिभुज कैसा होगा। ये देखिए, हमने ले लिया 0.0। अब 3π/2 मतलब अक्ष से यहाँ पर कोणांक π/2 है, तो ऊपर की तरफ लंबाई 3 और कोण π/2 यानी 3π/2, और दूसरा 3π/6 मतलब ये वाला कोण 30 डिग्री, π/6 होता हुआ, ये ले लिया अपन ने, तो ये दूरी है 3 और ये हो गया कोऑर्डिनेट 3π/6। चलिए ज़रूरत के हिसाब से इसको मिला देते हैं हम। अब ध्यान से देखिए, ये 3 है और ये 3 है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो हमने पढ़ा है कि भैया समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, तो अगर ये 60 है, इसके सामने का कोण ये है, तो ये भी कितना निकलेगा, 60 निकलेगा, और इसे भी कितना होना पड़ेगा, 60 होना पड़ेगा। इसलिए त्रिभुज का प्रकार हो गया समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए, क्लियर है सर? हाँ सर जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 0.3 वक्र x² बराबर 2y के किस बिंदु के निकटतम होगा, किस बिंदु के निकटतम यानी कि पास में होगा। देखिए मित्रों, वैसे ये क्वेश्चन आपकी 12वीं क्लास में किताब में है, पैराबोला है, पैराबोला के किस बिंदु पे होगा, तो मिनिमा मैक्सिमा का केस भी इस पे लगाया जाता है ना, कि वक्र में कौन सा बिंदु होगा जो निकटतम होगा, तो अपन h, k लेते हैं। मगर मैं पहले कह चुका हूँ कि सफलता की पहली सीढ़ी है ऑप्शन, तो इसके ऑप्शन है 2√2, बी ऑप्शन है आपका 0.0, सी ऑप्शन है आपका 2.2 और डी ऑप्शन है आपका -2.-2। तो ये चार ऑप्शन हैं, ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं,
और ये चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए, ये हमारे पास वक्र है, ये हमारे पास जो है वक्र है, वक्र क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू वाई, मतलब कि किस तरफ वक्र जाएगा, अपवर्ड पैराबोला है ये, ओके। और 0.3 एक बिंदु दिया गया है, 0.3 जो है वो बिंदु दिया गया है, यानी यहाँ पर होगा ये 0.3, और ये तो मूल बिंदु से जा ही रहा है। तो आपको बताना है कि सबसे पास में कौन सा बिंदु होगा परवलय का। तो भैया जो भी बिंदु होगा वो सबसे ज़रूरी बात है कि वो परवलय में बैठा होगा, तो पहला ऑप्शन है 2√2,0। तो 2√2,0 चेक करिए कि क्या वो परवलय में बैठा है कि नहीं बैठा। तो 2√2 एक्स की जगह रखिए, तो एक्स 2√2 का स्क्वायर आएगा, 4 × 2 = 8, और 8 = 0 होता नहीं है, मतलब ये भैया कैंसिल हो गया, क्योंकि ये परवलय में कहीं पर बैठा ही नहीं है। 0,0 तो साक्षात ये दिख रहा है, 2,2 बैठा है क्या, देखिए तो 2 का स्क्वायर 4, और ये भी, हाँ तो भैया ये भी बैठा है, मतलब ऑप्शन ये भी हो सकता है, ऑप्शन ये भी हो सकता है। और -2,-2 पुट करके देखिए, तो -2 का स्क्वायर 4, और 2 × 2 = -4, तो ये भी संभव नहीं है, मतलब ये दो बिंदु आपको मिल गए, एक तो मिल गया यहाँ पर 2,2, और एक मिल गया 0,0। तो कौन सा बिंदु पास में होगा, यदि ग्राफ को हल्का सा देखा जाए तो 2,2 थोड़ा पास में दिख रहा है और ये थोड़ा दूर दिख रहा है, तो इससे पास वाला बिंदु 2,2 ग्राफ से एनालिसिस हो गया। मगर फिर भी दुर्घटना से बचने के लिए आप क्या करिए, दूरी सूत्र लगा दीजिए। तो यदि हम 2,2 से दूरी निकालते हैं तो कितना आएगा, पहला वाला दूरी a मान लीजिए, बराबर √2 − 0² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और 3 − 2² यानी कि कितना 1, मतलब ये कितना बन गया √5 2,2 से दूरी। और 0,0 से दूरी कितना आएगा भाई, 0 − 0² यानी 0, और 3 − 0² यानी कि 9, तो ये कितना आएगा 3। अब देखिए, आपको पता है कि √5 कितना होता है, समथिंग 2.25, तो ये जो होगा ये दूरी कम होगा ये वाला, तो सही आंसर क्या है इसका, 2,2। बताइए मित्रों, समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बिंदु ए -3,5, एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है -3,5, और दूसरा बिंदु है बी जिसका निर्देशांक है 4,-9, इसको मिलाने वाली रेखा को बिंदु 2,-5 आर, यहाँ पे कहीं पर होगा 2,-5, किस अनुपात में विभाजित करेगा। आपको पूछा गया है m अनुपात n, किस अनुपात में विभाजित करेगा ये आपको पूछा गया है, ठीक है ना, अनुपात बताइए किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो बहुत लोग इसको करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, वही मेथड यूज़ करेंगे mn वाला। हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जो अनुपात होता है, अनुपात बराबर होता है माइनस का x1 और यहाँ पे आइए x2, जिसको विभाजित करना है, ये बन गया x1 और ये बन गया x2, माइनस x1 / x2, और दोनों में x3 को माइनस करिए, ऊपर भी x3 माइनस और नीचे भी x3 माइनस, ये ट्रिक नोट कर लीजिए, ये अनुपात निकालने की शॉर्ट ट्रिक है ना। तो दोनों में x3 को आपको माइनस करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो देखिए भैया, माइनस x1 कितना है यहाँ, -3 है, ओके, x2 कितना है यहाँ, 4 है, और माइनस करिए, ऊपर भी x3 कौन है, ये वाला x3, तो 2, और यहाँ भी कितना 2, तो -3 और -2 हो गया -5/4, -2 का मतलब कितना हो गया 2, ओके, और एक माइनस साइन बाहर भी था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 5:2। अगर अनुपात धनात्मक आया है मतलब अंतः विभाजन, और अगर यही अनुपात माइनस आता इसका मतलब बाह्य विभाजन होता, नोट करिए। तो ये मुख्य अनुपात वाला फॉर्मूला है,
नोट करिए इसको कि अगर ऐसा इसको अब ये शॉर्टकट है तो इसलिए मैं इसको आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इसको नोट कर लीजिए कि यदि कोई आपके पास रेखा है जो मिल के बनी है एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू से और इसको कोई तीसरा बिंदु एक्स थ्री वाई थ्री एम अनुपाते एन में विभाजित कर रहा है तो जो एम अनुपाते एन होगा वो कितना होगा, ऊपर एक्स वन लिखो नीचे एक्स टू लिखो और दोनों तरफ एक्स थ्री या एक्स थ्री माइनस कर दो। और अगर वाई की बात करोगे तो यही आएगा एम अनुपाते एन बराबर ऊपर वाई वन नीचे वाई टू और यहाँ पर वाई थ्री माइनस वाई थ्री। आपके लिए मैं लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ एक्स है बस वहाँ वाई कर दो, मतलब एक और फार्मूला क्या बन जाएगा, माइनस लगा के ऊपर वाई वन नीचे वाई टू, यहाँ भी वाई थ्री और यहाँ भी वाई थ्री। माइनस साइन लगाना ना भूलें, दोनों फॉर्मूले में माइनस साइन लगता है। चलिए मित्रों, समझ में आ गया सभी को, क्लियर है मित्रों? हेलो सर, क्लियर है सर? हाँ सर। चलिए, अब जैसे जैसे रात होती है सर तो ग्रुप में सदस्यों की संख्या बढ़ती है। हाँ, उल्टा होता है सर। कल रात को सर 11 बजे 16 लोग थे सर ऑनलाइन कल। हाँ, और परसों सर रात को, हाँ कल ही था सर। सर एक्चुअली ये है ना सर कि सभी के परिवार वालों से भी बातचीत करने का यही समय रहता है ना सर। हाँ, इसीलिए कई लोग परिवार के चक्कर में क्लास नहीं अटेंड कर पाते। क्या पता सर कितनी बातचीत परिवार से होती है, हम तो कर नहीं पाते सर, हमारे पास तो बात ही खत्म हो जाती है। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें। हाँ, दो शॉर्ट ट्रिक इसमें मैं बताना चाहता हूँ। हाँ सर बिल्कुल बताइए सर। अगर सर ये जो रेशियो है बीच वाला पॉइंट हटा दीजिए, अगर ये वाई एक्सिस से पूछे कि वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यस सर, माइनस आप इसको वाई वन अनुपाते वाई टू, अगर वाई एक्सिस से अनुपात पूछे है ना, माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू सर, वाई से होता माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू, और अगर y अगर x एक्सिस से पूछे तो माइनस वाई वन पद वाई। तो लिख लीजिए सभी लोग, सभी लोग ये ट्रिक लिख लें, अब सर ने बता दी है तो कि यदि आपके पास कोई बिंदु है एक्स वन कॉमा वाई वन और दूसरा बिंदु है एक्स टू कॉमा वाई टू, मान लीजिए इसको y अक्ष सम कहीं पर काट रहा है और पूछ ले कि बताओ किस अनुपात में काटेगा, तो ये अगर y अक्ष काटे तो भैया अनुपात आएगा माइनस ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स टू, अगर x अक्ष काटे तो जो अनुपात आएगा विभाजक अनुपात वो आएगा माइनस ऑफ वाई वन अपॉन वाई टू, और अगर कोई सरल रेखा काटे जिसका नाम है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो तो भी अनुपात लिख लीजिए, सरल रेखा का विभाजक अनुपात, अगर सरल रेखा काटे तो विभाजक अनुपात m अनुपाते n क्या होगा, ऊपर माइनस लगाइए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और नीचे ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। क्यों सर, यही होता है ना? बिल्कुल सर, ये तो मैंने आपसे सीख लिया। अरे नहीं सर, ये बहुत पुराना फार्मूला है ना, जो पुरानी किताब चलती थी उसमें ये छाया रहता था ये फार्मूला। तो सरल रेखा का अनुपात ये रहेगा। चलिए सर, तो ये हो गया, एक अनुपात वाली शॉर्ट ट्रिक हो गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए सवाल लिखिए, क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं बाप से बता रहा हूँ, बार बार मैं इस चीज़ को जोड़ना चाहूँगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि टीजीटी यूपी का सवाल पेपर उसका ज़्यादा निकलना कम पॉसिबिलिटी, जिसको दुनिया भर का ज्ञान है, जिसको शॉर्ट ट्रिक लगाना आता है और जो खिलाड़ी दिमाग का आदमी है वो पेपर को निकाल ले जाता है, जिसके यही बसा है कि मैं हर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करूँगा, वो इस क्वेश्चन में बाजी मार लेगा क्योंकि समय का बहुत बड़ा रोल है। सवाल करते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल दिया है एरिया वो दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि त्रिभुज के ए और बी के निर्देशांक जो हैं क्रमशः है -5.0 और 3.0, ए और बी के निर्देशांक -5.0 और 3.0 है, मतलब भैया ये एक्स अक्ष में है तो थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा हमको, इसको हम ए ले लेते हैं
और इसको बी ले लेते हैं और इसका नाम सी दे दीजिए। तो ये क्या दिया है, माइनस फाइव कॉमा जीरो, और ये क्या दिया है, थ्री कॉमा जीरो, ठीक है ना। और त्रिभुज का तीसरा निर्देशांक रेखा एक्स माइनस वाई बराबर टू पर स्थित है। तो एक रेखा जा रही है ऐसी, और इस पर तीसरा निर्देशांक स्थित है। तीसरा निर्देशांक क्या है भैया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू रेखा है, इस पर निर्देशांक स्थित है। आपको बताना है कि सी के निर्देशांक क्या होंगे। ये ए है, ये बी है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट सी है जो हमको ज्ञात करना है। ये वाला पॉइंट जो है वो सी है जो हमको ज्ञात करना है, ओके। आपको पॉइंट सी के निर्देशांक ज्ञात करना है। ऑप्शन पूछा गया है सी के निर्देशांक क्या होंगे, एक है थ्री कॉमा फाइव, बी है माइनस थ्री माइनस फाइव, सी है माइनस फाइव कॉमा सेवन, और डी है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहला काम होगा क्या, हाँ सर, थ्री कॉमा फाइव होगा, चलिए देखते हैं सर। तो सबसे पहला काम जो है आप पुट करके देख लीजिए कि कौन सा सही है। देखिए अगर 3.5 ये जो होगा ये रेखा पे स्थित है और रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। रेखा का समीकरण है x माइनस वाई बराबर दो, तो पहला बिंदु होगा 3-5 बराबर दो, तो ये माइनस दो बराबर दो संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, मज़ा आ गया है ना, एक ऑप्शन से बाहर हो गया। दूसरा देखते हैं, तीसरा वाला होगा, दूसरा देखते हैं माइनस का थ्री और माइनस का फाइव। तो भैया माइनस तो लगा इक्वेशन में, और माइनस का फाइव बराबर दो, तो माइनस थ्री प्लस फाइव बराबर दो, हाँ दो बराबर दो, मतलब ये हो सकता है। तीसरा वाला देखते हैं पुट करके, तीसरा वाला एक्स की जगह है माइनस फाइव और वाई की जगह आएगा माइनस सेवन बराबर दो, तो ये तो माइनस बारह बराबर दो बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि रेखा पे ही नहीं बैठा। तो करेक्ट आंसर इसका यही लग रहा है, माइनस थ्री कॉमा फाइव। अब देखिए, अब कहीं नन है, अब ऐसा ना हो कि नन हो जाए भाई आंसर, क्योंकि नन में भी बिंदु हो सकता है। तो एक परिस्थिति और दी गई है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 20 दिया गया है। कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी क्षेत्रफल निकालने की, शॉर्ट ट्रिक अगर आपको याद हो तो। कल मैंने बताया था 1/2 है ना, 1/2। सबसे पहले क्या करिए, कोई को एक्स वन ले लीजिए, कोई को एक्स टू ले लीजिए। तो ये एक्स वन एक्स टू, ओके, 1/2 एक्स वन एक्स टू। तो एक्स वन कितना है, माइनस का पाँच, एक्स टू कितना सर, है सर, हाँ सर, सर, हाँ सर बोलिए। 1/2 हाइट इनटू लेंथ लगा करके भी कर सकते हैं सर, हाइट पाँच और तीन, क्या बात है सर, सर हाइट सही है, बिल्कुल सही है सर, हाइट हाइट सर, सर ये हाइट हो जाएगी फाइव, हाँ, और जो बेस हो जाएगा वो एट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही सर, क्योंकि भैया ये तो बिल्कुल साफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर ही जाएगा, कोई टेढ़े वेढ़े का सवाल ही नहीं है। तो इसकी हाइट हो जाएगी पाँच और बेस हो जाएगा पाँच और तीन, माइनस का पाँच प्लस का तीन, कितना हुआ सर, आठ, आठ है ना। तो एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई, आठ गुणे पाँच, तो भैया बिल्कुल सही है, चार पंचे बीस। तो करेक्ट आंसर अपना है क्या, माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, सही बताया सर आपने, काफ़ी समय बचा लिया हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर फिर भी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ त्रिभुज के क्षेत्रफल की। त्रिभुज के क्षेत्रफल का छोटा वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, यहाँ रखिए एक्स वन, यहाँ रखिए एक्स टू, यहाँ रखिए वाई वन, यहाँ रखिए वाई टू, और जो तीसरा कोऑर्डिनेट है बस माइनस करते जाइए, और ये आपका क्षेत्रफल का एरिया दे देगा। फायदा ये है कि 3x3 इसके 3x3 के डिटर्मिनेंट की जगह 2x2 का डिटर्मिनेंट सरल करना आसान होता है। चलिए मित्रों, ये हो गया। तो क्या सर? हाँ सर। ट्रायंगल का शॉर्टकट मैं भी बता रहा हूँ सर, कोई कोऑर्डिनेट लिखिए। ये लिखिए सर, कोई कोऑर्डिनेट लिख देते हैं हम, लिखिए थोड़ा ऐसे नहीं, 3, 2.5, 3.7, ठीक है सर। हाँ, इसको सर लाइन से लिखिए एक जगह, जैसे 1.3 फिर थोड़ा स्पेस देके 2.5, हाँ 1.3 2.5 3.7। सर कहीं टेंथ वाला फॉर्मूला तो नहीं बता रहे हैं? नहीं 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 सर, ये लाइन पे नहीं सर, मतलब एक लाइन से, मैंने कहा लाइन पे नहीं रखना है। अच्छा, 1 3 नीचे लिखूं कि सामने लिखूं, आगे
सर ये जो चीजें लिखी हैं इनको हटा करके मतलब इरेज करके ऊपर लिखिए, मतलब उसमें कुछ याद नहीं करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से वो हो जाएगा। 1 3 हाँ वाटे 3 7 बोलिए सर। हाँ अब सर देखिए पहला स्टेप ये है सर कि तीन वर्टाइसेस दिए हैं ट्रायंगल के। हाँ हमारा टारगेट है किसी एक वर्टेक्स को हम जीरो करेंगे। हाँ। तो जीरो हम उसको करने का प्रयास करेंगे जिसमें कम चीजों का मतलब जिसमें छोटे छोटे नंबर लिखे हों, बाकी को भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1,3 में देखा इसमें छोटा नंबर रहे तो 1,3 जीरो कब होगा जब -1 -3 कर लें हम। हाँ, तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। जीरो मत लिखिए सर, सर प्लीज। हाँ हाँ मिटाइए सर, 1,3 के नीचे ही -1 -3 लिखिए, 1 के नीचे -1। हाँ ये सर कोऑर्डिनेट में नहीं सर, कोऑर्डिनेट हटा दीजिए इसको, ये ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, -1 उसके नीचे और उसके नीचे -3। हाँ अच्छा इससे सर हमारा एक कोऑर्डिनेट जीरो बन गया ना सर। बिल्कुल बन गया सर, एक कोऑर्डिनेट जीरो बन गया। हाँ हाँ ये एक कोऑर्डिनेट 0,0 बन गया। हाँ सर। हाँ हेलो। हाँ सर बोलिए ना। अभी सर 0,0 मत लिखिए सर, सर अभी खत्म हो जाने दीजिए 0,0। हाँ नहीं लिख रहा हूँ वो तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ अब देखिए सर मैंने 1,3 को जीरो करने के लिए -1 -3 लिखा। हाँ। अगर ऊपर सर 1,-3 होता तो मैं -1 -3 लिखता। हाँ तो सर अब देखिए यही जो यहाँ लिखा हूँ वही हर जगह लिख दूंगा, -1 -3 2,5 के नीचे भी लिखिए, वहां भी लिखिए सर। इसको क्रॉस करके काट दीजिए, पहला वाला जो जीरो हो गया इसको काट दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ये तो कट गया गायब। हाँ अब देखिए सर ये वाला सॉल्व करिए, दो ये 1 आया 1,2 और ये आ गया 2,4। अब सर बाहर वाला मतलब 1 से 4 में गुणा करने के लिए मतलब 1 से लेके 4 तक एक लाइन खींच दीजिए कर्व शेप में। समझ गया सर। मतलब बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से। समझ गया सर। 1,4 नहीं 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 सर ये नहीं, ये नहीं सर। अच्छा, ये मिटाइए सर। समझ गया सर। हाँ 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 बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से 4 आया सर। हाँ। माइनस। हाँ। अंदर वाले का गुणा अंदर वाले से। हाँ। 4 अपॉन 2 2 2 जा 4 होगा सर। हाँ 2 2 जा 4 होगा। हाँ सर अपॉन में 2। हाँ अपॉन में 2 मतलब आंसर 0 आएगा, ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। हाँ, ये पॉइंट्स समरेखीय है। हाँ मतलब सर एरिया ट्रायंगल निकालने का शॉर्ट ट्रिक ये है। बहुत बढ़िया सर। मतलब एक और तरीका है किसी भी कोऑर्डिनेट्स को ऐसे लेकर के आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं। 4-5 क्वेश्चंस में अगर आप प्रैक्टिस कर ली, आपको करना क्या है कि किसी एक वर्टाइसेस को जीरो बनाइए। बिल्कुल सर। और जो काम हमने उसको जीरो बनाने के लिए किया है वही हर जगह कर दीजिए, उसको जीरो वाले को छोड़ दीजिए, बाकी सब सॉल्व करके बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से माइनस अंदर वाले का गुणा अंदर वाले से अपान में 2। बहुत अच्छा सर। और बाय द वे इसका आंसर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव हटा के लिखें क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही लिया जाएगा। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी ट्रिक बताई आपने, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड ट्रिक बताया। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। अगला सवाल है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का आधार x + y = 1 हो, समबाहु त्रिभुज का जो आधार दिया है वो x + y = 1 दिया गया है, ठीक ना, और एक शीर्ष जो है वो क्या है 1,-1 है, तो त्रिभुज की भुजा होगी, तो आपको बताना है कि त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो सबसे पहले मित्रों ये देखिए कि आपके पास ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना लीजिए और इसका जो आधार है, ये जो आधार रेखा है इसको मान लीजिए ये रेखा का समीकरण है x + y = 1। अब एक शीर्ष दिया गया है 1,-1, तो आप सोच रहे होंगे कि 1,-1 ये वाला होगा तो ऊपर होगा, ये दोनों अगर होंगे तो इसको संतुष्ट करेंगे तो पुट करते हैं तो 1 और +-1 = 1 होना चाहिए, बट 0 = 1 आ रहा मतलब संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये वाला शीर्ष होगा 1,-1। अब हमको कह रहा है कि बताइए कि इसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी होंगी, इसकी जो भुजाएं हैं वो आपको बताना है कि कितनी होंगी। देखिए
मान लेता हूँ मैं ये ए है और ये भी ए है और ये भी क्या है भैया ए है, तो तीनों भुजाएं होंगी। अपन को पता है कि समबाहु त्रिभुज में 90 डिग्री डालने पर, समबाहु त्रिभुज में 90 डिग्री डालने पर, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज में अगर अपन 90 डिग्री डाल दें तो ये भुजा आधी आधी हो जाती है, मतलब ये ए बाई टू और ये ए बाई टू। इस तरीके से ये जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये जो भुजा आएगी ये कितनी आएगी, अंडर रूट 3 ए बाई टू, लंबवत भुजा। क्यों सर, आती कि नहीं आती बताइए सूरज सर। हाँ हाँ ये आती बिल्कुल है सर, अंडर रूट 3 अपॉन 2 बाई टू ए, हाँ ये आती है। और अब हमारे पास सरल रेखा पर डाली गई लंबाई का फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पे, तो सरल रेखा पर डाली गई लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिलहाल यहाँ एक्स की जगह अपन को वन रखना है, ए एक्स वन तो वन, वाई की जगह माइनस वन यानी माइनस वन, मॉड लगा दीजिए ओके, और साथ में ये वाला वन पीछे आएगा तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो ये भैया अंडर रूट थ्री बाई टू ए बराबर एक से एक कैंसिल और मॉड आ गया वन अपॉन अंडर रूट टू, ये आ गया। तो भैया ए इक्वल टू टू बाई रूट सिक्स टू और यहाँ आ जाएगा रूट सिक्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं टू बाई रूट सिक्स को अंडर रूट फोर होल अपॉन सिक्स, काट देंगे तो टू और यहाँ थ्री, तो करेक्ट आंसर आ गया अंडर रूट टू बाई थ्री। नोट कर लें मित्रों, बढ़िया क्वेश्चन, यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन 2016 का। चलिए ठीक है मित्रों, आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल मैट्रिक्स से उठाते हैं, मैट्रिक्स से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, छोटे रहते हैं, अगर मैट्रिक्स का ज्ञान है तो लोगों से बन जाते हैं, नहीं तो छोटा सवाल भी छूट जाता है। आइए मैट्रिक्स का सवाल है, यदि ए कोई मैट्रिक्स है वो कोटि तीन का, मतलब ए जो है वो तीन क्रॉस तीन का एक तत्समक आव्यूह है, तत्समक को हिंदी में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, तत्समक मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, तो आपको बताना है कि इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो आपको बताना है कि इसका प्रतिलोम अर्थात ए इनवर्स क्या होगा। ऑप्शन ऑप्शन है फर्स्ट, आपका ऑप्शन है फर्स्ट है शून्य आव्यूह के बराबर, मतलब नल मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर ओ होता है नल मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी है ए के बराबर, ऑप्शन नंबर सी है किसके बराबर थ्री ए के बराबर, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो जो लोग थोड़ा सा समझ रखते हैं देखते ही समझ में आ गया आंसर ए है। तो क्यों भैया, क्योंकि कह रहा है कि मैट्रिक्स ए जो है वो तत्समक है इन, है ना, आई है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तत्समक आव्यूह, मतलब ए बराबर आई। अब आप जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर होता है आई अपॉन ए, ए इनवर्स बराबर होता है आई अपॉन ए। तो भैया यहाँ पे आई अपॉन आई, क्योंकि मैट्रिक्स भी जो हमारा है वो आई अपॉन आई है, ठीक ना, मतलब यदि आपके आई को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, आई ही तो आएगा भाई, आई को उल्टा करोगे तो आई ही आएगा, और आई क्या है अपने पास ए है, क्योंकि हमने लिखा था आई बराबर ए, तो मतलब ए का इनवर्स जो होगा वो कितना आएगा, ए ही आएगा यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मित्रों, इसका करेक्ट आंसर होगा अपने पास ए। सर ए इक्वल टू आई कैसे लिखा आपने? हाँ सर दिया है ना, ए इक्वल दिया है, तत्समक दिया है ना सर, तत्समक का व्यू है सर, तो तत्समक का व्यू मतलब ए बराबर कितना हो गया आई, ठीक है सर। अब ए इनवर्स पूछ रहा है, अब आई का इनवर्स सर ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सर, है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या चीज सर, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो ये आइडेंटिटी तो अलग होता है, और जैसे इसमें ए प्लस बी या ए इंटू ए ऐसा कुछ करके नहीं है। नहीं सर, इसको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एक ही चीज़ होता है ना सर, आई होता है, उसमें एडिशन बोलो या मल्टीप्लिकेशन बोलो, वो मैं आपसे एडिटिव एलिमेंट नहीं पूछ रहा हूँ सर, है ना, मैं आपसे योज्य प्रतिलोम या योज्य तत्समक नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे केवल तत्समक बोल रहा हूँ। तो चाहे मतलब आपको यहाँ पे आई ही लेना पड़ेगा, ठीक ना,
और इंग्लिश में नीचे जो फॉर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है इफ़ ए इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। हालांकि इसको देखा जाए तो हिंदी में गलत लिखा है, तत्समक नहीं होना था, यहाँ पर लिखना था इकाई आव्यूह। नहीं सर, तत्समक को वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलते हैं। बोलते हैं सर, तत्समक आव्यूह। चलिए तो ठीक है फिर सर, तत्समक भी सही है इसका मतलब, सर ने बताया तत्समक भी बोलते हैं। हाँ ठीक है सर, फिर तत्समक भी सही है, अगर तत्समक को आव्यूह कहते हैं तो ये भी सही है, कोई इसमें गलत नहीं है सर। अच्छा एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है ना, वो चीज़ नहीं है ना ये? नहीं नहीं, नहीं। वो चीज़ नहीं है सर ये, है ना, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और ये चीज़ नहीं है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन सर, अगले क्वेश्चन की तरफ लिखिए सर। अगला क्वेश्चन है, अगर अगर ए का मॉड बराबर 4 है और बी का मॉड बराबर 1/3 है और आपके पास जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर है 3, तो आपको बताना है, आपको सॉरी बी का मॉड 3 है तो आपको बताना है कि 3 डिटर्मिनेंट सारणिक 3AB का इन्वर्स कितना होगा। ओके, या इसको कह लो डिटर्मिनेंट 3AB का इन्वर्स कितना होगा, आपको बताना है। चलिए बताइए, वन अपॉन थर्टी सिक्स। आइए देखते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है के टू दी पावर एन इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्लास 12वीं का। तो भैया 3 का डिटर्मिनेंट है और ऑर्डर 3 है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है। अब इसके बाद ए का डिटर्मिनेंट और इसके बाद बी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट। आप जानते हैं कि 3 का क्यूब होता है 27 और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है 4 इंटू बी का इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है आई अपॉन बी, और यदि इसका मॉड ले लेंगे आई अपॉन बी का डिटर्मिनेंट, तो आप जानते हैं 27 इंटू 4 आई, यानी इकाई आव्यूह का जो मापांक नहीं बोलेंगे, जो सारणिक होता है वो होता है 1, और बी का कितना दिया गया है भैया 3, तो 3 से 27 कैंसिल 9 बार, तो आंसर आ गया 36। सर आपने 36 ही कहा ना? हेलो, लेकिन 1/36। अच्छा आपने 1/36 कहा था, तो इसका आंसर सर जो है वो 36 है। चलिए ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सारणिक, UPTGT का क्वेश्चन है सारणिक, एक सारणिक दे रहा हूँ मैं आपको, xy3 x² 5y² 5y की पावर क्या दी है भैया, ये 3 दी है सर, 5y³ 9 और x³ 10y⁵ और 27। हाँ, के प्रसार में निम्न में से कौन सा फैक्टर सम्मिलित है। ओके, आपको बताना है कि इस सारणिक का फैक्टर क्या है। ऑप्शन नंबर ए x-3, ऑप्शन नंबर बी x-y, ऑप्शन नंबर सी y-3, ऑप्शन नंबर डी x-3y। देखिए एक चीज़ है, मैं कहता हूँ अगर ये ज़्यादा उत्तर हो जाते तो हम सबको चेक करते, मगर फ़ायदा ये है कि इस सवाल का एक ही उत्तर हो सकता है, एग्ज़ाम ऐसा है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दूँ C1 tends to C1-C3, तो आपको साफ साफ फैक्टर दिख रहा है। वन होगा इसका, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन x-3। तो मेहनत भी नहीं करनी है, x-3 ये हो जाएगा x²-9 और ये हो जाएगा x³-27 और तीनों में से जो फैक्टर कॉमन निकलेगा x-3। ठीक है मित्रों, आ गया समझ में।
इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये इसका फैक्टर निकलेगा एक्स माइनस थ्री, है ना, ये इसका फैक्टर सर निकल गया। हाँ बताइए सर। अगर इसमें ये वाई को भी ऐड करता तो भी इसका फैक्टर, इसके एक्स माइनस थ्री इंटू वाई ये अगर कहता तो वो भी इसका आ जाता। वाई माइनस थ्री कह रहे हैं सर, नहीं वाई में एक्स माइनस थ्री इंटू वाई, एक्स माइनस थ्री इंटू वाई मतलब एक्स इक्वल टू थ्री वाई इसका रूट होता है ना सर। नहीं, ऐसे नहीं सर, ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री और जैसे ये जो बीच वाला कॉमन है कॉलम है सी टू वाला है, इससे अगर वाई कॉमन ले लेते तब ये। जी सर, इनका कहना का मतलब है कि सी टू से वाई कॉमन ले लेते और फर्स्ट से एक्स माइनस थ्री कॉमन लेते तो दोनों हाँ सर, तो ये भी अगर ऑप्शन में होता तो ये भी सही होता सर। बिल्कुल हाँ सर, सही होता, बिल्कुल सही बात है, तब भी होता। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मित्रों, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत सरल आया है, मान लीजिए इसी टाइप में कोई कठिन क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर कॉमन ऑमन निकालते आपसे नहीं बन रहा है, तो ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है, आप क्या करिए इस ऑप्शन को जीरो को कंपेयर कीजिए, जैसे एक्स बराबर थ्री, आपने क्या किया एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो हुआ, एक्स बराबर थ्री हो गया, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ये वैल्यू खिला दीजिए, आप देखिए कि क्या सारणिक का मान जीरो हो रहा है। अगर सारणिक का मान जीरो हो गया तो ऑप्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। जी सर, हाँ अगर सारणिक का मान जीरो हो गया तो है, नहीं तो नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन है, सूरज सर आवाज नहीं आई काफी देर से, हैं सर हैं लगते हैं सर डटे हैं। यदि कभी-कभी गायब जाते हैं। यदि ए बी सी ए पी में है, यदि ए बी सी ए पी में है और तथा यदि ए बी सी ए पी में है तथा एक्स वाई जेड जी पी में है, एक्स वाई जेड जी पी में है, तो आपको बताना है एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू वाई की पावर सी माइनस ए इंटू जेड की पावर ए माइनस बी का मान क्या होगा। चार वन होगा सर, वन होगा। बड़ा जल्दी बता दिए सर, रटे हैं क्या इसको। चलिए सर देखिए, मतलब आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है, एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए और जेड की पावर ए माइनस बी क्या होगा। देखिए आपके पास कह रहा है ए बी सी ए पी में है, तो एक काम करिए ए बी सी ले लीजिए वन टू थ्री, और क्या दिया है एक्स वाई जेड जो है आपके जी पी में है, तो जी पी का ले लीजिए वन टू फोर। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसको कैसे करने की, तो एक्स की पावर वन की पावर बी माइनस सी, तो दो में से तीन गए तो कितना हुआ भैया माइनस वन, वाई यानी कि दो, दो की पावर सी माइनस ए मतलब तीन में से एक गए दो, और जेड की पावर यानी चार की पावर ए माइनस बी यानी वन माइनस दो यानी कि माइनस वन। तो देखिए मित्रों एक की पावर माइनस वन यानी एक ही होगा, दो की पावर दो यानी कि चार, और चार की पावर माइनस वन यानी वन अपॉन चार कैंसिल हो गया, कट कुट के आंसर आ गया वन। तो शॉर्ट ट्रिक से इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया गया है और पिछले बार भी 2021 के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन था तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योग S1, S2 और S3 है, तीन समांतर श्रेणी के n पदों का योग S1, S2, S3 है। तो अपने पास तीन समांतर श्रेणी है, एक है AP फर्स्ट, एक है AP टू और एक है AP थ्री, और कह रहा है इसके n पदों का योग, ओके इसके n पदों का योग मतलब इसके n पदों का योग S1 है, AP टू के n पदों का योग S2 है और AP थ्री के n पदों का योग S3 है, और इन तीनों के यदि प्रत्येक समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक है, इन तीनों के प्रथम पद एक है मतलब a बराबर वन है, इसका भी a बराबर वन है और इसका भी a बराबर वन है, और सर्वांतर जो है इस वाले का d बराबर वन, d बराबर टू और d बराबर थ्री है, तो आपको बताना है कि
कि इसमें से कौन सा संबंध सत्य है। पहला, S1 + S3 = 2S1, ठीक है ना। देखिए इसके n पदों का योग S1 है और इसके n पदों का योग S2 है, n पदों का योग S3 है। दूसरा, S1 + S3 = S2। तीसरा, सर पहला ऑप्शन, हेलो, हाँ सर बोलिए। पहला ऑप्शन सर S1 + S3 = 2S2 होना चाहिए और यही सही। मैं सही कर दिया, हाँ यही सही होगा पहला वाला। सुनते ही मैं सही कर दिया सर आपको, S1 + S2 = 2S3 और चौथा है S2 + S3 = S1। तो जो लोग दसवीं पढ़ाते हैं, अच्छा प्रैक्टिस करवाए हैं आर डी शर्मा में, तो उनको ये क्वेश्चन मिलता होगा। इसका आंसर ये है कि S1 + S3 = 2S2। और अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो एक काम करिए भैया, अपन AP बना लेते हैं। अब कह रहा है तीनों के पद समान है, तो अपन तीन पद की AP बना लेते हैं। पहली AP बनाते हैं, तो पहली AP क्या बनेगी भैया, फर्स्ट वाली AP बनेगी 1, 2, 3। सेकेंड वाली AP बनेगी 1, 1 + 2, 3 और ये 5। और थर्ड वाली AP बनेगी 1, 1 + 3 = 4 और 4 + 3 = 7। इसका योग निकालिए भैया, इसका योग है 3 × 2 = 5, 1 = 6, 5 × 3 = 8 और 1 = 9 और 7 × 4 = 11, 1 = 12। अब ध्यान से देखिए कौन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का डबल 9 का डबल मतलब 2 × 9 = 12 और 6 = 18, बस यही सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि 2S2 = S1 + S3 और याद कर लीजिए, वैसे याद करने में बहुत आसान है, 2S2 = S1 + S3। ठीक है सूरज सर, एकदम सही है सर। मैं कुछ ऐड करूं सर इसमें? बिल्कुल सर, आपको इसीलिए तो सर स्वागत है आपका। सर हर AP का TN और SN आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हाँ, और किसी को आ रहा हो तो बता दें, नहीं तो मैं आपको बता दूं सर। हाँ हेलो, कुछ जानकारी क्या दी रहेगी सर, TN और SN लिखने के लिए जानकारी क्या दी रहेगी? पहला पद दिया रहेगा, मतलब कोई भी AP लिख दीजिए सर, AP ही दी रहेगी तभी तो TN निकालेंगे। हाँ तो सर जैसे मान लीजिए AP है, AP मान लीजिए सर आपके पास में है 7, 11, 15, 19, ठीक है सर? बस 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 सर इतना बहुत है। हाँ सर, इसका सर कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 लिखिए। हाँ 4, TN बराबर 4N। हाँ TN इसका लिखवा रहे हैं डायरेक्ट सर। हाँ, अब देखिए सर, पहला टर्म कितना है? 7 कब आएगा? इसको 4 मानिए, अब 4 7 कब बनेगा जब इसमें 3 जोड़ दें। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसका TN आ गया सर। बिल्कुल सही बात सर, 4N प्लस। अच्छा अब सर इसका SN भी ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सर। SN इसका D कितना है सर? 4। हाँ 4 का डबल करेंगे, इसका आधा करिए सर। अच्छा हाँ बिल्कुल सही सर, 4 का आधा 2N² लिखिए। हाँ 2N² लिख दिए सर। अच्छा अब ये सर 2 7 कब बनेगा? 2 7 में जब 5 जोड़ेंगे। हाँ तो 5N लिख दीजिए, प्लस 5N, काम खत्म। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब सर देखिए, इसकी वैल्यू आप 1 रखे सर, क्या हुआ सर? सही आएगा, 7 आएगा सर। 2N² के में क्या बच, क्या जोड़े 7 कब बनेगा, मतलब n की वैल्यू 1 मान के चले ना। हाँ सर जुगाड़ लगा दिए। हाँ सर बिल्कुल सही। अब सर देखिए, मैं सर एक चीज और बता रहा हूँ, ये अपन लोग क्लास 10th में ही लिखवाते हैं बच्चों को, TN ऑफ AP इज ऑलवेज लीनियर इन N। ओके सर, जो AP का TN होगा वो हमेशा N में लीनियर होगा। बिल्कुल सही। वेयर द कोफिशिएंट ऑफ, जो N का कोफिशिएंट होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। सही बात है, ठीक है सर, ये TN के बारे में विशेषता हुई। सही बात। और SN को सर थोड़ा दबा के लिखवाना चाहिए कि SN ऑफ AP will be always quadratic in N, but in the absence of C, there is no constant term. अगर constant term आ गया सर, तो AP का SN हो ही नहीं सकता। सही बात है। तो हाँ सर सुनिए, SN of quadratic is always, SN of AP is always quadratic in N, in the absence of C. और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ N² होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। तो सर कोई भी AP लिख करके खड़े खड़े ऐसे आप लिख सकते हैं। बिल्कुल सर सही बात है। और इसको निकालना होगा सर, आपका काफी टाइम जाएगा, अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो करके देख लीजिए एक बार। हमें लग रहा है कि
ये बोर्ड पूरा भर जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है सर, बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। अब चलिए, अब आपने इतनी अच्छी ट्रिक बता दी है तो एक क्वेश्चन क्यों ना यूपी टीजीटी एग्ज़ाम में आया हुआ एसएन का उठाए लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एसएन किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल है। मतलब एसएन क्या है भैया? ये है एन पदों का योगफल, और आपको दिया गया है एस टू एन बराबर 3n प्लस 14n स्क्वायर, ये दिया गया है। H2n आपको दिया गया है 3n प्लस 14n स्क्वायर। तो आपको बताना है हमें कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। आपको बताना है d क्या होगा। चलिए d का मान बताइए। 28 सर, 28। d का मान आपने बताया 28 हो गया। अच्छा, आपने d का मान 28 बताया और आपने वही गलती करी जो 90 उस दिन आपने 60 का ट्रू बताया था। बिल्कुल बताया था। अगर ये बताइए H2n के लिए बताया था कि Sn के लिए बताया था? Sn के लिए सर, 7/4 होगा क्या इसका? हाँ, तो देखिए सर, ये Sn के लिए बताया था और यहाँ पे ये H2n है। तो अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को आप 2n की फॉर्म में बदल दीजिए। अगर आपको Sn निकाले तो देखिए H2n बराबर 3/2 × 2n और प्लस 14/4n स्क्वायर बटे कितना? अपॉन में 4। तो देखिए यहाँ पे 2n आ रहा है तो यहाँ पे 2n आ रहा है, मतलब ये एक्चुअली है 2n का होल स्क्वायर है सर। ये 2n का होल स्क्वायर है, तब ये 4n बना है ना सर। तो 2n स्क्वायर हमने किया, n तो पहले से ही था, हमने 2 का स्क्वायर 4 का भाग। चलिए तो ये हो गया 3/2 × 2n और ये हो जाएगा 14/4, यानी कि 2 × 7 = 14 और 2 × 2 = 4, 7/2 × 2n का स्क्वायर। ठीक है, अब फीलिंग ये पकड़ कि अगर आप 2n दे रहे हैं तो 2n आ रहा है, अगर आप यहाँ पे Sn देंगे तो अब n आ जाएगा। तो 3/2n प्लस 7/2 × n का स्क्वायर। अब आप लगाइए अपना वाला ट्रिक कि भैया जो हमारा डी होता है वो एन स्क्वायर के गुणांक का डबल होता है, तो 7/2 का डबल आंसर हो गया 7। तो इसका करेक्ट आंसर है 7। ठीक है सर? ठीक है सर। जी सर। हाँ, और नहीं तो दूसरा तरीका है सर, पहले आप S1 निकाल लीजिए और फिर आप S2 निकाल लीजिए, उससे भी निकाल देते हैं क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ वो भी होता है सर, बट वो यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि Sn वो लेंदी हो जाएगा उसके लिए, बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आपको और सरल तरीका बताता हूँ दूसरा। देखिए Sn बराबर है आपके पास 3n प्लस 14n स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए है d, d मतलब a2 माइनस a1। तो आपको पता होगा कि जो a2 माइनस जो a1 होता है वो S1 होता है। तो S1 निकालने के लिए S2 और इसकी जगह क्या रख दें हम, देखिए H2 की जगह रख दें 1/2, तो ये S1 आ जाएगा। तो ये n की जगह 1/2 3/2 प्लस 14/4 हो गया, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर। तो भैया अपने पास ये कितना आ गया? 4, और यहाँ 2 × 6 = 4, यानी कितना? 14 × 6 = 20 / 4, यानी कि भैया आ गया 5। तो ये हमारे पास पहला टर्म आ गया a1 = 5। अब हम निकालते हैं H2। तो H2 निकालने के लिए n की जगह 1 रख दीजिए। H2 निकालने के लिए H2 × 1, तो भैया 3 × 1 = 3 और 14 × 1 = 14, 14 × 3 कितना हो गया भैया? 19। हाँ, 14 × 3 = 17। तो ये H2 बराबर हमारे पास आ गया 17, और H2 होता है a1 + a2 = 17। तो a2 = 17 - a1, और a1 आया है 5। तो 17 में से 5 गया, कितना हुआ सर? 12। अब आइए निकालना है कॉमन डिफरेंस। d बराबर होता है a2 - a1, तो 12 - 5 बराबर क्या आएगा? 7। ठीक है सूरज सर? एकदम सर, चकाचक चकाचक। चलिए सर, तो इस तरीके से हम ये 2n वाला सवाल आएगा, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, ऐसा कर देते हैं, है ना? हमने गलती किया ही, पहले गलती कर दी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस में होती हैं गलतियां। आइए सर, कभी कभी क्या होता है ना सर, लोकेश सर। हाँ सर,
सवाल में सिर्फ SN दिया होता है, SN इज इक्वल टू 2N स्क्वायर प्लस 3N मान लीजिए दे दिया, बिल्कुल, और 14वां टर्म पूछ लेता है, फाइंड करो इसका 14वां टर्म। बिल्कुल सर, आपने सिखाई दिया है, आपने सिखा दिया SN स्क्वायर इक्वल टू 2N स्क्वायर पर कितना बोले सर, 3N व्हाटएवर कुछ भी ले लें, तो हमारे ऊपर देखिए पहला टर्म आ गया 2, 3, 5 और कॉमन डिफरेंस और डी आ जाएगा 4, बस हो गया। अब क्या है सर, 14वां टर्म माने a + 13d a + 13d यानी 5 और 13 चौका 52, तो 52 और 5 57, 57। ठीक सर, तो इससे सर ना बहुत ही इजीली निकल आएगा। बिल्कुल सर, तो डी जो लिखे हैं वो ये यानी स्क्वायर कोएफिशिएंट को 2 टाइम्स किया है ना डी के लिए। हां हां, ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि यहां एसएन है जी। और सर अगर ये एसएन में अगर सी ला दिए ना सर, एपी नहीं रहेगा सर। हां सी लाने के बाद ये एपी का अस्तित्व खो देगा, एपी नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सर, खो देगा, ये स्पेशल सीरीज बन जाएगा फिर, कोई अनसेंट सीरीज बन जाएगा, है ना सर। बिल्कुल सर। चलिए सर, क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन देखिए मित्रों, एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी में 200 पद हैं, एक आपके पास जीपी है और उसमें भैया चलते चलते नंबर ऑफ पद हैं बराबर 200, ठीक है। तो जीपी क्या होता है, ए होता है, ए आर होता है, डग 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 डग, ए आर का पावर 199, ये होगा इसका अंतिम पद। अब कह रहा है कि इस जीपी के विषम पदों का योगफल m है, विषम पद मतलब पहला पद तीसरा पद, तो भैया a प्लस ए आर कितना स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस अप टू विषम पद, ये 200वां पद है, तो ये ए आर की पावर 198 बराबर कितना, विषम पदों का योगफल जो है, विषम पदों का योगफल m दिया है और जो सम पद हैं उनका योगफल दिया है आपको कितना, m, n दिया है। सम पद लिख लीजिए भैया, ए आर प्लस ए आर की पावर 3 प्लस ए आर की पावर 5 प्लस 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 ए आर की पावर 199 बराबर कितना दिया है, n। तो आपको कह रहा है r का मान क्या होगा। तो देखिए अगर मैं इस वाली सीरीज में r कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस अप टू ए आर की पावर 198 यानी कि ये बैठा है n। और जो दूसरा सीरीज है मैं उसको ऐसे ही लिख दूँ, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 डॉट 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 ए आर की पावर 198। हाँ सर सही बोल रहे थे, वैल्यू रख देते, तो एम वैल्यू रखना था, आर एम इज इक्वल टू एन, आर इज इक्वल टू एन बाय एम, सही बात है सर, काटा कुटी कर सीधे सीधे एन अपॉन एम हो जाता, एन अपॉन एम हो जाता, बिल्कुल सही सर, उत्तर है एन अपॉन एम। वो कितना ही रोक लो सर, वो टीचर वाला मगर गुण आ ही जाता है, ठीक है ना सर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद क्लास को विराम देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिए कि यदि क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स कॉमा माइनस 8 अगर एपी में है तो इनमें से कौन सा सही है, तो एक्स का मान क्या होगा, ए ऑप्शन एक्स बिलोंग्स टू 2, बी ऑप्शन एक्स बिलोंग्स टू 4, ऑप्शन बी करेक्ट है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2, 4, डी ऑप्शन माइनस 4, 2। बताइए सर ऑप्शन सी करेक्ट है सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही बात है भैया, 2x बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस 8 दोनों का सम कर देंगे। ओके, अब देखिए कि x की वैल्यू रखने पर कहां पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो पहले हाँ फैक्टराइज भी कर लीजिए सर, बात वही है, और चेक भी करना चाहे तो कर सकते हैं, तो फैक्टराइज कर लेंगे तो इसका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, इसका आंसर सी है, माइनस एक्स माइनस 4 इनटू एक्स प्लस 2, ठीक है सर। तो बाकी लोग कर लेंगे, किसको करके बताऊं मित्रों, कर लेंगे ना, होगा होगा सर, कर लेंगे। चलिए थैंक यू सर, सर ट्रिक बताने के लिए, बहुत बढ़िया ट्रिक मिला, थोड़ा सा हमारी तरफ बारिश हो रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम थी,
कोई दिक्कत नहीं है सर। आज बारिश हो गई है, समझिए वरदान हो गया हम लोगों के लिए। अरे सर इतने दिन बाद बारिश हुई है। वो सर आपने जल्लू कट्टाई खेली थी ना सर, कौन सा रुसुरस सर काल हाँ हाँ कुट्टाई, हाँ गुरु जी वो काल कुट्टी क्या क्या बोलते बोलते हैं, हैं जल्ला कुट्टी, हाँ अरे काल कुछ बोलते हैं कलौटी, उसको, काल काल कलौटी, काल कलौटी। कलौटी हाँ। प्यारे मेघा पानी दे नहीं तो अपनी नानी दे। चलिए तो भैया इसी सब के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सर।